हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वैनिटी पॉइंट। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को लिस्ट करूँगी बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांडेड ट्रेंडी जो है वो गले डिज़ाइन। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्क्वेयर शेप में जिप्स लिया है जो कि 9x9 सेंटीमीटर की है। तो दोनों तरफ से भी मार्च कर लेंगे, एक तरफ से भी इसको 9 सेंटीमीटर का रखा है और दूसरी तरफ से भी इसको 9 सेंटीमीटर का रखा है। तो फिर हम इस जिप्स को फोल्ड कर लेंगे। इसके सेंटर को मिलाकर हमने इस जिप्स को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम फर्स्ट पर रखेंगे जो हमारे गले की कटिंग होगी, वो हम 3.5 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाएंगे। इसी तरह हम 3.5 सेंटीमीटर पर एक नीचे निशान लगाएंगे ताकि हमें मार्किंग करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है और नीचे भी सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे ताकि आप देखें कि जो है वो गले की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया है। इस तरह हमें जितने हमारे गले की चौड़ाई होगी हम उतनी ही चौड़ाई में यानी 7 सेंटीमीटर हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, उतनी ही हमारी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। आप इसको ज़्यादा डेप्थ भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि वो फिर एक शेप जो है वो गले की ठीक नहीं आती। तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही इसको रखा है। अब हमने जितनी भी लाइन्स मिलाई थी, अब हमने जितने भी निशानात लगाए थे इन सब लाइन्स को हम मिला लेंगे ताकि हमारे पास एक पैटर्न ड्रा हो जाए। हमने गले की डेप्थ की कटिंग करनी है। तो गले की डेप्थ की कटिंग करने के लिए यहाँ भी मैं 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगी और इस तरफ भी 3.5 सेंटीमीटर का ही निशान लगाऊंगी। और फिर इन दोनों निशानों को हमने मिला लेना है स्केल की मदद से। देखिए हमारे पास दो जो है वो स्क्वायर जो है वो ड्रा हो गए हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो गले की टच वाला है और जो नीचे वाला है वो हमने शेप की कटिंग करनी है। फिर हमने गले की टच जो है उसके लिए मैंने 3 इंच जो टेप की दूसरी साइड होती है उसको मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और उसमें उसको दोनों लाइन के साथ मिला लिया है। अगर आप चाहें तो उसको अपने हाथ से भी मिला सकते हैं, अगर नहीं आपको मिलाना आता। यहाँ पर हम मिड की लाइन्स को वहाँ से कर लेंगे ताकि हमें लाइन्स लगाने में आसानी हो। लेकिन मैंने मिड की लाइन को वहाँ से कर लिया है। उसके बाद मैंने एक लिया है ढक्कन, होटल का ढक्कन लिया है, उसको मैंने हाफ किया है। तो उसकी मदद से यहाँ हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी सर्कल की शेप जो है वो अच्छी आए। ऊपर वाली नोक से सर्कल के मिड तक हमने लाइंस लगानी है दोनों तरफ। इस तरफ भी हम एक लाइंस लगाएंगे और उस तरफ भी हम एक लाइन लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा हमारा शेप जो है वो पत्ती की ड्रॉ हो गई है। जैसा कि मतलब जो सीधी लाइंस है उससे हमारी पत्ती की शेप बाद ड्रॉ नहीं होती, इसलिए हम हाथ से थोड़ी थोड़ी इसको बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी पत्ती की शेप जो है वो बिल्कुल अच्छी आएगी। हमारा ड्रॉ का काम था ये ख़त्म हो गया है। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है क्योंकि अगर कटिंग में आप लोगों से इधर उधर कैंची लग जाए तो वो शेप बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाती है और एक न्यू लुक साफ सुथरी लुक नहीं होती। देखिए हमारा जो है वो गला जो है वो कट कर तैयार हो गया है। इसकी शेप देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी साफ आई है। ये मैं आपको इस वीडियो से दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैंने कटिंग कर ली है साइडों से भी। आप यहाँ पर बहुत ही बारीक कटिंग कीजिएगा ताकि बाद में गला लगाने में आसानी हो। मैंने इसे कपड़े पर रख करके सुखा कर और उसको सिलाई लगा ली है।
उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे ताकि हमारे सेंटर के लाइन जो है बाजी हो जाए। फिर हम कमीज पर सेंटर के लाइन करेंगे तो हम इसे कुश्ती पेश करते हैं। शेप के हमारे नीचे वाली पत्ती थी उसी शेप पे हमने चार पत्तियाँ और कट कर लेनी है और उसको अपने कपड़े पर जो है वो डिज़ाइन बना लेना है। देखिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद मैं आपको लैस लगा कर दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये वीडियो बनाकर दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल